Hello students, this is your new activity and this is called butterfly handprint card. आप पहले कोई भी शीट लेंगे, आप कोई वेडिंग कार्ड की भी शीट यूज कर सकते हैं, कोई भी पुरानी A4 साइज शीट यूज कर सकते हैं. हम उसे सबसे पहले एक फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले एक हैंड इस तरह से लेके और हम एक हैंड को ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के बाद एक शेप देंगे. अब हम इसे कट कर देंगे. कट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कटिंग मिलेगी. अब हम कोई भी एक डिफरेंट कलर की शीट यूज करेंगे. शीट को इस तरह से एक फोल्ड लेंगे. और इसमें एक कर्व ड्रॉ करेंगे. सेम हम इसको भी इसी तरह से कट कर लेंगे. कट करने के बाद हमें कुछ ही ऐसा मिलेगा और हम इसे पेस्ट कर देंगे. मैं यहाँ फेविकोल यूज कर रही हूँ. आप फेविस्टिक भी यूज कर सकते हैं. जो भी आपके पास अवेलेबल हो पेस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं. देन सेम शीट का हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. आप कोई भी स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. कैप यूज कर सकते हैं, कॉइन यूज कर सकते हैं. और यहाँ पर हम इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे. अब हम लोग जो हमने शीट हैंड के लिए कट की थी उसी में से हम कॉर्नर में से दो स्ट्रिप्स कट करेंगे. आप एक इस तरह से स्टिक कट करके इसे डबल कर सकते हैं.
और हम इसको इस तरह से इसके पीछे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब हम स्केच पेन से इसकी आईज आप क्रेयॉन कलर्स भी यूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो। इसको थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए हम इसमें इस तरह से अलग अलग कलर से भी, या फिर आप कोई भी एक डिफरेंट क्रेयॉन कलर लेंगे और इस तरह से शेडिंग कर देंगे। आप रफली शेडिंग कर सकते हैं, एंड देन हम इसे उसी तरह से फोल्ड कर देंगे जैसे हमने इसकी कटिंग की थी। और एज अ कार्ड, बर्थडे कार्ड, हम इसे यूज कर सकते हैं।